हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब तैयारी जोर शोर से चल रही है तो प्रश्न नीति नीट सीरीज में आज जो मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पहला चैप्टर क्वेश्चन मेरा क्या है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम एक वायर का रेजिस्टेंस आर ओम है उसको मैंने मेल्ट किया और स्ट्रेच किया एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा जब उसको मेल्ट किया तो मतलब मेरा वॉल्यूम तो मेरा रहा फिक्स रेजिस्टेंस हमें पता होता है आर इज इक्वल टू रो एल लेंथ का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दूं तो आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम रेजिस्टिविटी मेरी सेम है क्योंकि वायर सेम है वॉल्यूम मेरा सेम रहेगा मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर जब मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा वायर इज तो मैंने एन टाइम्स इंक्रीज करा तो रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा आर टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स आर वन तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है टेन मीटर ये दे रखी है लेंथ इसकी रेडियस दे रखी है आपको टेन टू पावर माइनस टू अपॉन रूट पाई ज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ टेन ओम रेजिस्टेंस आपको दे रखा है टेन ओम द एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड आप करंट डेंसिटी निकालनी है मतलब जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है मेरा और सिग्मा क्या होता है वन अपॉन रो इन टू मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो और हमें रेजिस्टेंस पता है रो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए मीन्स आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए मीन्स रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल मीन्स एल अपॉन आर ए लेंथ आपको दे रखी है कितनी टेन रेजिस्टेंस भी आपको टेन दे रखा है इन टू पाई आर स्क्वायर मींस टेन टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट पाई होल स्क्वायर तो सिग्मा मेरा कितना आ जाएगा टेन टू पावर फोर तो जे इज इक्वल टू टेन टू दावर फोर इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है टेन मीन्स टेन टू दी पावर फाइव एमपियर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अब यहां पर मुझे मैचिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैचिंग वाले क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका सबसे पहले आप जरा ऑटन देखो चल अगर मैं कहूं पहला ऑप्शन अगर मैं कहूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी क्या होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी स्मॉल कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ मतलब ए की किससे मैचिंग कराऊंगा आर से करंट डेंसिटी को जरा देखिए I इज इक्वल टू एन ई एवी डी यही होता है करंट की क्वेश्चन और करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया मीन्स एन ई वी डी तो d मेरा किससे इक्वल हो गया मैचिंग करा दी Q से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी करंट डेंसिटी होती है मेरी सिग्मा इंटू ई और सिग्मा होता है वन बाय रो इंटू ई तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ई बाय जे और रिलैक्सेशन टाइम मेरा किसके इक्वल हो गया एम अपॉन एन ई रो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे दे रखी है ईडी दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है मेरी थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे दे रखी है सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टेन आपसे पूछ रहा है मोबिलिटी म्यू निकालना है मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी रिलेशनशिप म्यू इंटू मींस म्यू इज इक्वल टू डी अपॉन ई पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस टेन मींस मेरा आंसर कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर सिक्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अब यहां कलर कोडिंग दे रखी है मुझे और मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है तो कलर कोडिंग के लिए मेरे पास एक ही चीज आती है ध्यान रखिए बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ एक सेंटेंस याद करिए बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ जीरो वन टू थ्री फोर ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे और व्हाइट अब मुझे पहला कलर दे रखा है येलो पहला जो कलर है येलो मींस फोर दूसरा है वॉयलेट ये मेरा वॉयलेट हो गया ये मेरा हो गया येलो तो फर्स्ट दो पहले दो कलर के तो नंबर देख दीजिए इसके बाद है ब्राउन इनटू टेन टू दी पावर ब्राउन मेरा ये आ गया मेरा ब्राउन मतलब वन टेन टू दी पावर वन तो कितना आ गया फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी ओम ये चीज तो मिल गई मुझे अब आगे दे रखा है ये गोल्ड गोल्ड मेरा टॉलरेंस के लिए होता है सिल्वर की टॉलरेंस होती है टेन परसेंट और गोल्ड के लिए फाइव परसेंट फोर सेवेंटी और टॉलरेंस कितनी हो जाएगी फाइव परसेंट तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर As द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो इनकेस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और इनकेस ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है पहला ऑप्शन दिया है, इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर डिक्रीजेस फॉर बोथ गलत इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमी कंडक्टर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर कॉपर मेरा क्या है एक कंडक्टर तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रजिस्टिविटी मेरी इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करने में कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टिविटी मेरी इंक्रीज करेगी वो भी एक्सपोनेंशियली। विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर को ऑफ रेजिस्टेंस तो कंडक्टर के केस में तो मेरा क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है मींस जो टेम्परेचर कोइफिशियंट है वो मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है तो कंडक्टर के केस में हमेशा टेम्परेचर कोइफिशियंट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम होता है इसका मतलब जो टेम्परेचर कोइफिशियंट है वो मेरा नेगेटिव होगा तो सेमी के लिए निगेटिव टेम्परेचर को एक तो मेरा किसके के लिए होगा सेमी कंडक्टर के लिए बिल्कुल ठीक लेकिन साथ में इंसुलेटर के लिए भी होता है तो इंसुलेटर एंड सेमी क्या कह रहा है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम एंड 200 ओम मतलब आर वन और आर टू आपको दे दिया है आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी बाय डेवलप्ड इन हंड्रेड ओम टू डेट ऑफ 200 ओम निकालना है इसकी एनर्जी मैंने ले लिया H1 और इसकी एनर्जी ले ली मैंने H2 तो मुझे एच वन बाय टू कैलकुलेट करनी है। अब मैंने सबसे पहले आप देखेंगे कनेक्ट किससे करा है पैरेलल पैरेलल से सर्किट में में इसलिए एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी क्यों क्योंकि वी पैरेलल में क्या होगा कांस्टेंट सीरीज होगा तो आई स्क्वायर आर टी क्योंकि वहां करंट कॉन्स्टेंट होती है मीन एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नाउ एच वन अपॉन एच टू इज इक्वल टू आर टू बास टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेट है टू ट्वेंटी वोल्ट हंड्रेड वॉट ड्रॉप्स बाय 2.5 परसेंट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी ये मुझे दे रखा है 2.5 परसेंट ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू द परसेंटेज रेटेड वैल्यू ऑफ पावर वुड बी पावर इज बाय आर मींस डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू टू आइस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय बाई तो ये आपको पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है टू पॉइंट फाइव परसेंट मीस डेल्टा पी अपॉन पी हंड्रेड इज फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर आर विद टाइम इज़ इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर इज तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगी इंटीग्रेशन आई आई मेरा क्या होगा क्यू बाई डी टी मींस ए माइनस टू टी अब देखो लिमिट्स रखनी होंगी मुझे तो एज इक्वल टू जीरो टु मेरा जीरो है इसलिए आई की वैल्यू भी जीरो हो गई और करंट कब जीरो है आई इज इक्वल टू जीरो कब है जब टी की वैल्यू क्या है मेरी ए अपॉन टू बी तो इसकी लिमिट हो जाएगी टाइम की जीरो टू ए अपॉन टू बी अब इंटीग्रेट कर दूंगा आर इंटीग्रेशन ए माइनस टू बी टी होल स्क्वायर इंटू डी टी लिमिट जीरो टू ए अपॉन टू बी आर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए माइनस टू बी टी होल क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस टू लिमिट कहां से जीरो टू ए बाय टू बी इंटू थ्री तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए क्यूब आर अपॉन सिक्स तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर अब यहां क्या कह रहा है कि मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस आर वन आर टू एंड आर थ्री आर कनेक्टेड एसओ रेश आई थ्री बाई आई वन मुझे निकालना है तो यहां पर ध्यान से देखो तो यही करंट आई वन यहां पर आएगी और यही करंट इन दोनों में डिवाइड हो रही है तो सीधे करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए और करंट डिवाइडर रूल क्या होगा अगर मुझे आई थ्री करंट निकालनी है तो कौन सी करंट डिवाइड हो रही है I1 मल्टीप्लाई इस ब्रांच में करंट निकालनी है, मतलब इसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस मींस आर टू अपॉन आर टू प्लस आर थ्री तो आई थ्री बाई आई वन इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर टू प्लस आर थ्री आई थ्री फॉन आर वन इज आर टू बाई आर टू प्लस आर थ्री ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास छह हैं छो मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया तीन सेक्शन ए में तीन सेक्शन बी में और मुझे क्या निकालना है अब पहला केस मेरा क्या है कि सारे बल्ब पहले केस में सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो मैंने एज्यूम करा कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है आर तो केस वन की जब मैं बात कर रहा हूं तो केस वन में क्या होगा मैंने रेजिस्टेंस आर बोल दिया तो क्या हो जाएगा मेरा सर्किट क्या बनेगा जब मेरे सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं तो सारे रेजिस्टेंस कैसे लगे होंगे हर सेक्शन में पैरेलल आर 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 ए बी आर ए बी आर ए बी आर और ये कनेक्ट हुआ मेरा सर्किट ये बन जाएगा करंट हो गई आई आई वन कह दिया मैंने तो इसका आर इक्विवेलेंट मेरा क्या आ जाएगा इस सेक्शन का आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री टू आर बाई थ्री तो I1 हो जाएगा मेरा थ्री ई अपॉन टू आर तो पावर हो जाएगी मेरी डी इंटू आई मीन्स थ्री ई स्क्वायर अपॉन टू आर सेकेंड केस में मेरा क्या हो रहा है कि मेरे सेक्शन ए के दो बल्ब और एक बल्ब मेरा सेक्शन बी का ई आर 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 अब इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आर बाई टू प्लस आर थ्री आर बाई टू तो so, I2 की वैल्यू जो करंट इसमें फ्लो हो रही है लेट्स से I2, तो so I2 क्या हो जाएगी 2E ई अपॉन थ्री आर सो पावर P2 टू इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री ई आर ये मेरी P1 की पावर हो गई ये मेरी P2 की पावर हो, हो गई जे P1 वन अपॉन पी निकालना है तो P1 वन अपॉन पी कितना आ जाएगा नाइन बाय फोर तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर अब यहां क्या कह रहा है कि मेरा ट्वेल्व सेंटीमीटर वाई एक वायर ट्वेल्व सेंटीमीटर टोटल लेंथ थी उसको मैंने इस ट्राइंगल के फॉर्म में एक राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया इसकी ये साइड थ्री फाइव और ये फोर है मुझे निकालना है रेजिस्टेंस बिटवीन अगर मैं ए बी के क्रॉस निकालू बी सी के और ए सी के क्रॉस उनका रेशो पूछ रहा है चलिए जब मैं ए बी के क्रॉस निकालूंगा आर ए बी कह रहा हूं जब इसके क्रॉस अगर देखो तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए सीरीज और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा ठीक तो यहां अगर लेंथ के प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी में देखूं तो सीधे आप क्या करोगे सीधे लेंथ के प्रोपोर्शन में ले जाओ तो यहां यहां क्या हो गया इसका फाइव इंटू फोर जब फाइव प्लस फोर ये दोनों सीरीज में मतलब नाइन नाइन इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में मींस हमने रेजिस्टेंस अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो इनका आरक्यूवेलेंट होता है मेरा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस अगर सीरीज में होगा तब R equivalent आता है मेरा आर वन प्लस आर टू अब यहां लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी में है तो मेरे इस R1 की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए लेंथ एज्यूम कर लीजिए क्योंकि बाकी पैरामीटर्स मेरे कोई चेंज नहीं हो रहे हैं तो सीधे लेंथ के हिसाब से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर ए बी कितना हो जाएगा फाइव प्लस फोर सीरीज में है ये दोनों मीन्स नाइन नाइन और थ्री ये आपके पैरल में मीन्स नाइन इन टू थ्री अपॉन नाइन प्लस थ्री मीन्स ट्वेंटी सेवन बाय ट्वेल्व ये इसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा आर बी सी की अगर मैं बात करूं जब बीसी की बात करी तो यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यहां ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों अब सीरीज में होगा इसका कॉम्बिनेशन पैरल में मतलब फाइव प्लस थ्री एट एट फोर के साथ पैरल मीन्स एट इंटू फोर अपॉन एट प्लस फोर, फोर मीन्स थर्टी टू अपॉन ट्वेल्व आर सी ए के अराउंड देख रहा हूं मतलब अब आप यहां से देख रहे हैं जब यहां से देखूंगा तो ये दोनों सीरीज में दिखेंगे इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में तो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन और फाइव आपस में पैरेलल में मीन्स सेवन इंटू फाइव अपॉन सेवन प्लस फाइव मीन्स थर्टी फाइव बाई ट्वेल्व तो मुझे रेशियो निकालना है मीन्स आर ए बी इज टू आर बी सी ज टू आर सी एज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन इज टू थर्टी टू इज टू थर्टी फाइव ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अब यहां क्या कह रहा है कि करंट ऑफ थ्री एम्पियर क्लोज थ्रू ए टू ओम रेजिस्टर मतलब इसके अक्रॉस जो करंट है आई वन ये है मेरी थ्री एम्पियर द पावर डेटेड बाय फाइव ओम रजिस्टर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं। ये थ्री एम्पियर है ये अगर पोटेंशियल वोल्टेज वी है तो यही वोल्टेज सब जगह कॉमन रहेगा तो अगर मैं वी की वैल्यू निकालूं तो वी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा टू इंटू आई वन मींस वोल्ट यही सिक्स वोल्ट यहां होगा यही सिक्स वोल्ट यहां होगा यहां पर टोटल मेरा सिक्स वोल्ट यही होगा तो इसमें करंट कितनी आ जाएगी आई टू बोल दी मैंने आई टू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस सिक्स मींस वन एम्पियर मींस इसमें करंट जा रही है एक एम्पियर तो पावर इन फाइव ओम आई स्क्वायर आर इन्स फाइव वॉट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू टू ट्वेंटी वोल्ट हंड्रेड वॉट बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन ईच इन पैरेलल। एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट करा एक बार पैरेलल में अब ये आपको दे रखी है उसकी रेटेड वैल्यू मतलब इसको रेजिस्टेंस को आर बोल दिया तो आर इज इक्वल टू और उसके बाद इनको टू ट्वेंटी वोल्ट से ही कनेक्ट करा द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस रिस्पेक्टिवली विल बी अब पहले केस में क्या कर रहा है सीरीज में लगाया KB 100 वॉट, KB 100 वॉट, और ये सप्लाई मैंने कितनी दी है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। जब दोनों ही आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो उनका दोनों का रेजिस्टेंस भी मेरा इक्वल होगा। मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस भी R होगा। टोटल करंट अगर मैं आई की बात करूं तो ये अगर इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ जाएगा आर बाई टू आर बाई टू हो गया आर इक्विवेलेंट हो गया मेरा टू आर तो आई इज इक्वल टू टू ट्वेंटी अपॉन टू आर और आर की वैल्यू मेरी क्या होगी आर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर क्योंकि ये रेटेड वैल्यू दे रखी है टू ट्वेंटी स्क्वायर अपॉन पावर हो गई हंड्रेड तो अगर ये वैल्यू रख दूंगा मैं तो ये तो वैल्यू आई आई की अब पावर मेरी क्या हो जाएगी पावर बाय ईज बल्ब या टोटल पावर की अगर बात कर दू तो पावर हो जाएगी वी इंटू आई आई है मेरा टू ट्वेंटी बाय टू आर इंटू टू ट्वेंटी आर की वैल्यू हो जाएगी टू ट्वेंटी स्क्वायर अपॉन हंड्रेड मीन्स फिफ्टी वॉट तो सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो पावर कंज्यूम होगी 50 वॉट पैरेलल में आ जाते हैं जब पैरेलल मैंने बल्ब कनेक्ट करे ये भी हंड्रेड वॉट का और ये भी हंड्रेड वॉट का इसका रेजिस्टेंस हो गया आर इसका रेजिस्टेंस हो गया आर तो दोनों बल्ब 100 100 वॉट पावर कंजम्पशन करेंगे क्योंकि दोनों में वोल्टेज सेम तो ये क्योंकि सप्लाई रेटेड वोल्टेज भी मेरा 220 वोल्ट है और इसका रेटेड वोल्टेज भी 220 वोल्ट है मतलब 220 ट्वेंटी वोल्ट सप्लाई दूंगा तो ये बल्ब 100 वॉट पावर कंजम्पशन करेगा ये वाला भी तो टोटल पावर क्या हो जाएगी इंडिविजुअल पावर का सम पैरल में मीन्स टू हंड्रेड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन में देखिए मुझे निकालना है इस आर ए बी की वैल्यू अब यहां अगर ध्यान से देखो तो ये वाले केस में यहां पर मुझे सिमेट्री दिखाई दे रही है मतलब सिमेट्री का मतलब अगर ये करंट आई वन है तो ये वाली करंट इसमें भी आई वन होगी इधर जाएगी आई टू तो ये वाली भी I2 होगी तो सिमिट्री होने की वजह से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ओ बोल दूं, ये इससे अलग कर दूंगा क्योंकि तो ये सिमेट्री है। तो जो करंट इसमें गई वही इसमें गई मतलब ये दोनों आपस में एक तरीके से सीरीज में होगा तो मैं इस सर्किट को दोबारा अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरा सर्किट अब क्या बन जाएगा वन ओम वन ओम वन ओम ये बी ये ए बी ये वन ओम और ये ओ ये भी वन ओम ये भी वन अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो गए सीरीज में मतलब वन प्लस वन कितना हो गया टू टू इसके साथ ये इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पर मैं क्या लगा सकता हूं वन प्लस वन टू और टू और वन आपस में अगर पैरेलल में है मींस टू बाय थ्री तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह मेरा सर्किट ऐसे बन सकता है और ये दोनों आपस में सीरीज में है इसकी जगह पर हो गया टू ओम और इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह पर हो गया मेरा टू बाय थ्री ओम तो मेरा सर्किट क्या बन गया टू बाय थ्री ओम वन ओम वन ओम और ये हो जाएगा टू ओ ये ए बी अब ये तीनों कैसे दिखाई दे रहे हैं सीरीज और इसके साथ ये पैरेलल तो मेरा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा टू बाई थ्री प्लस टू मीन्स एट बाई थ्री प्लस टू एट बाइट टू मीन्स एट बाय सेवन ओम ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स एन आइडेंटिकल सेल्स हैं हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ईच विच आर कनेक्टेड इन सीरीज ई आर ई आर ई आर ई आर यहां पर टेंसेल्स हैं

टोटल करंट तो मेरी वही सेम रहेगी तो कह रहा ना एन आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनका विच आर कनेक्टेड टू इन सीरीज द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड एक बैटरी से मान लो फॉर एग्जांपल कनेक्ट कर दिया मैंने इसको करंट क्या होगी इसमें आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर सीरीज में कनेक्ट करा टोटल रेजिस्टेंस आर और टोटल सेल्स की वोल्टेज एनी मींस मीन्स आई इज इक्वल टू पी बाय आर मीन्स आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है टेन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ वन मीटर मेरे पास टेन आइडेंटिकल सेल्स हैं ये टोटल टेन है एक एक वायर को हीट करने के लिए मैंने कनेक्ट करा इस वायर की लेंथ दे रखी है वन मीटर एंड रेडियस बाय डिग्री सेल्सियस इन टाइम टी हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू हीट द वायर ऑफ द लेंथ टू मीटर मतलब इनिशियल लेंथ अगर वन को मैं वन मीटर कर दूं बाद में लेंथ एल टू मेरी टू मीटर हो गई नंबर ऑफ सेल्स मैंने कह दिए एन एक ऑफ द सेम रेडियस बाय द सेम टेम्परेचर तो पहले वाले केस में मेरी जो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आई इज इक्वल टू ई बाय आर आर इज इक्वल टू रो एल बायस मतलब एरिया कांस्टेंट रो कांस्टेंट मतलब इनिशियल अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आर इज इक्वल टू रो बाय लेंथ मेरी थी वन मीटर तो हीट प्रोड्यूस्ड मेरी क्या हो जाएगी टोटल वोल्टेज करंट में निकालूं तो करंट मेरी कितनी आएगी क्वल टू टेन ई अपॉन रो इन टू एच वन इज इक्वल टू हंड्रेड ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन रो स्क्वा हीट मतलब एम एस डेल्टा टी अब मेरे पास क्या कह रहा है एन नंबर ऑफ सेल्स लगाया और लेंथ मैंने कितनी कर दी टू मीटर तो अब इस केस में मेरा तो अगर ध्यान से देखो तो ये अगर अपॉन ए मीन ई बाई आर करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है टेन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज आर नीडेड टू हीट अ वायर ऑफ लेंथ वन मीटर मेरे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं ये टेन सेल्स हैं टोटल एक वायर को कनेक्ट हीट करने के लिए जिसकी लेंथ एल ये दे रखी है वन मीटर एल वन इसके बाद अगर मैं एन नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल्स यूज करूं जिससे कि टू मीटर का अगर मुझे वायर हीट करना है तो कितने नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर होंगे ये मुझसे पूछा जा रहा है उतने ही सेम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी रेडियस भी मेरी सेम तो अगर टेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखो हीट प्रोड्यूस्ड मेरी क्या होगी आई स्क्वायर आर इन टू टी आई स्क्वायर बाई आर मैं कह दू टोटल ई जो होगा ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी मींस ई स्क्वायर आर इज रो एल बाय एन्स ई स्क्वायर ए अपॉन रो एल इंटू टी ये हीट आई आप अगर ध्यान से देखो तो यहां क्या चीज चेंज हो रही है नंबर ऑफ सेल्स मेरे चेंज हो रहे हैं मतलब ई टोटल चेंज हो जाएगा रेडियस सेम है एरिया सेम वायर सेम रेजिस्टिविटी सेम टाइम भी मेरा सेम है तो क्या चीज है और लेंथ मेरी चेंज हो रही है वन से टू मींस हीट प्रोड्यूस जो आ रही है वो किसके प्रोपोर्शनल हुई ई स्क्वायर अपॉन एल के और यही हीट जो है मेरी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टीज इन टेम्परेचर मतलब ई स्क्वायर अपॉन एल इज प्रोपोर्शनल टू एम क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो मास भी मेरा चेंज हो जाएगा बस अब इस इक्वेशन को ध्यान से देख लो पहली बार मेरा क्या था टेन थे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हंड्रेड और इस तरीके से कर देता हूं वन अपॉन ई टू होल स्क्वायर इनटू एल टू बाय वन इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू वन इज इक्वल टू टेन ई टू मेरा हो जाएगा एन टाइम्स ई एल टू इज इक्वल टू टू एल वन एंड एम टू इज इक्वल टू टू एम वन पहले जो भी मास था उसका अब ट्वाइस हो जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हंड्रेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू एल टू बाय एल वन मीन्स टू इज इक्वल टू एम वन बाय एम टू इज वन बाय टू तो इससे एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई फोर हंड्रेड एन स्क्वायर इज ंड्रेड मीनस एन इज ट्वेंटी मुझे ट्वेंटी सेल्स लगाने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वीबी तो ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है करंट दे रखी है टू एम्पियर ए से बी तक का केवीएल लगा दीजिए वोल्टेज लॉ ये अब टाइम कन्वेंशन क्या होगा जब करंट का डायरेक्शन ये है तो डीसी में ये मान लीजिएगा ये प्लस ये माइनस और पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव लेंगे तो टू इंटू करंट कितनी है टू फिर प्लस टू माइनस गए माइनस थ्री फिर माइनस ये भी प्लस माइनस प्लस टू माइनस गए माइनस टू वन माइनस वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन नाइन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है कि अगर मेरा पोटेंशियल एट ओ इज जीरो मतलब यहां का पोटेंशियल वी ए आपको एज्यूम करना है जीरो का पोटेंशियल वी मैंने बोल दिया अब ध्यान से देखो कि ये यह यहां पर जो करंट है वो वन एम्पियर है यहां गई टू एम्पियर मतलब ये वाली करंट भी वन एम्पियर हो गई और यही डायरेक्शन होगा से लेकर बी तक इस पाथ पे केवीएल लगा दीजिए चाहे इधर से इधर लगाइए या इधर से इधर लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहां केवीएल क्या हो गई मेरी माइनस टू प्लस जा रहे हैं मतलब प्लस वन फिर करंट इस डायरेक्शन में एरो था मतलब ये प्लस ये माइनस तो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव प्लस टू इन टू वन फिर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ ये प्लस है ये माइनस पॉजिटिव टू तो नेगेटिव माइनस टू माइनस वी इक्वल टू जीरो कर दीजिए आपको दे रखा है जीरो तो ये टर्म तो मेरा हो गया जीरो टू माइनस टू खत्म हो गया ईवी की वैल्यू कितनी आ गई वन वोल्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर अब इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है फाइव इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सबका रेजिस्टेंस आर दे रखा है अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी इस ए और बी टर्मिनल के बीच में है यहां पर इन दोनों के बीच में मैंने एक बैटरी लगाई करंट फ्लोइंग थ्रू एफ सी बी विल बी तो सबसे पहले क्या करो इसको ये ऐसे ओपन कर दो और सर्किट को देखो क्या बन गया ये पॉइंट हो गया मेरा ए और इधर ले लिया ये है मेरा एफ और बी से इधर आए ई e. यहां कहीं मैंने सी पॉइंट ले लिया है और इधर ले लिया कहीं पर डी पॉइंट एफ से सी के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा है एफ और डी के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा है सी और ई e के बीच में, e में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा और ई के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा और सी और डी के बीच में एक आर ओम का रेजिस्टेंस लगा अब जैसे ही यह सर्किट दिखाई दिया तो मुझे क्या दिखाई दिया बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज और बैलेंस स्टोन ब्रिज है इसका मतलब ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया खत्म मेरा सर्किट क्या रह गया ये दोनों सीरीज ये दोनों सीरीज टू तो आर और टू आर आर मींस आर इक्विवेलेंट जो हो गया मेरा आर ओम मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई मैंने वोल्ट की अब मुझे करंट किसमें निकालनी है द करंट फ्लोइंग इन ए एफ ई बी एफ सी ई बी मुझे ये वाली करंट निकालनी है तो एक्चुअल में मेरा सर्किट क्या बन गया है एक टू आर इस तरफ और एक टू आर इधर करंट मेरी है आई और इस आई की वैल्यू क्या होगी ई सॉरी बाय आर और मुझे निकालनी है इस वाले ब्रांच में करंट इसको बोल दिया आई वन तो फिर से करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए आई वन इज इक्वल टू आई इन टू इसमें निकालनी इसकी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो आई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आई बाई टू मीन्स वी अपॉन टू आर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है रजिस्टेंस वायर कनेक्ट इन अफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस ए टेन ओम रजिस्टर्स इन द राइट गैप एट ए पॉइंट द ब्रिज इन द रेशो ऑफ थ्री इज टू टू मीन्स एल वन इज टू एल टू की वैल्यू दे रखी है थ्री इज टू टू इफ देंथ ऑफ द रजिस्टेंस वायर इज वन पॉइंट फाइव होम आर दे रखा है आपको वन पॉइंट फाइव सॉरी ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज एल वन दे रखा है वन पॉइंट फाइव मीटर लेंथ ऑफ वन ओम ऑफ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज अब देखिए द रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इस वैल्यू को आर बोल दिया आपको आर दे रखा है आपको टेन ओ और जो एस होता है वो आपको दे रखा है कितना वन ओम लेंथ का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है थ्री इज टू टू लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 ओम आपको लेंथ निकालना है 1 ओम के वायर की तो रेजिस्टेंस का जो रेशो होगा वही मेरा लेंथ का रेशो हो जाएगा ठीक अब देखिए मेरा हो गया आर आर मुझे दे रखा है टेन ओम एस डैश कह दिया तो टेन अपॉन एस इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू इज थ्री बाय टू तो एस की वैल्यू मेरी कितनी आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज अ टेन ओम मतलब यहां मैं ऐसे बना दे रहा हूं एल वन ये एल टू ये इसको बोल देता हूं एक्स ये हो गया आर एल वन अपॉन एल टू का रेशियो दे रखा है आपको थ्री टू टू आर दे रखा है आपको टेन ओम तो सबसे पहले ये अननोन रेजिस्टेंस क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कि जो राइट गैप एंड एट ए पॉइंट विच डिवाइड ऑफ इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर 1.5 पॉइंट फाइव मीटर लेंथ ऑफ वन ओम वाले रेजिस्टेंस की लेंथ क्या होगी तो so, आर मेरा टेन ओम मीन्स एक्स बाय आर इज इक्वल टू थ्री बाय टू इक्वल टू थ्री बाई टू इससे मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ओम मतलब फिफ्टीन ओम वाले वायर की लेंथ कितनी है वन पॉइंट फाइव ओम तो वन ओम की ओम की लेंथ कितनी है वन पॉइंट फाइव मीटर वन ओम वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी 1.5 by 15 means 0 0.1 meter means 1 into 10 to the power minus 1 meter. Option number b is the correct answer. The resistance in the two arm of the meter bridge are 5 ohm and r.

L1 अपॉन हंड्रेड माइनस L1 और उसके बाद क्या किया कि एक ओम का रेजिस्टेंस शंट कर दिया तब मेरा जो बैलेंस पॉइंट आ रहा है 1.6 पॉइंट सिक्स में मींस फाइव अपॉन आर बाई टू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एलवन अब डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस वन पॉइंट सिक्स एल्वन क्वेश्चन टू अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लीजिए तो जो आर की वैल्यू आएगी आपकी आ जाएगी ट्वेंटी तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी फिफ्टीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर पोटेंशियोमीटर सर्किट अ सेल ऑफ ई एम एफ वन पॉइंट फाइव बैलेंस पॉइंट इज जब इवन था तो बैलेंस पॉइंट था मेरा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर पे दूसरा सेल मैंने लिया ई टू वॉट विल बी द बेलेंस पॉइंट एल टू निकालना है ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एल मींस एट बैलेंस पॉइंट तो ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू मीन्स एल टू इज इक्वल टू ई टू एल वन अपॉन ई वन E2 आपको दे रखा है कितना 2.5 पॉइंट फाइव दे रखा है आपको 36 सिक्स डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको तो so, 60 20 तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ तैयारी अच्छे से करिए थैंक यू